के साथ सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। गृह मंत्री अमित शाह का आरक्षण पर एक बयान फर्जी तरीके से एडिट करके वायरल करा दिया गया। इस बयान के सामने आने के बाद इस मामले में बीजेपी की तरफ से दिल्ली समेत कई राज्यों में FIR दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले की जांच शुरू भी कर दी है। ऐसे में हमारे आज के सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और हमारा आज का पहला सवाल है, गृहमंत्री के फर्जी वीडियो पर क्यों मचा हुआ है सियासी घमासान। इस मामले में असम पुलिस ने एक व्यक्ति को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है और इधर मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी करके जांच में शामिल होने के लिए कहा है। चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं। ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। चुनावी रण में वोटरों तक पहुंचने के लिए राजनेता चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी की परवाह किए बिना सड़कों की खाक छान रहे हैं। उनका मकसद मतदाताओं को अपनी नीतियों और वायदे से प्रभावित करके अपने पक्ष में मतदान करने को प्रेरित करना है। इसके लिए सियासी दलों के बीच होड़ मची है, लेकिन इस सियासी घमासान में चुनावी मैदान के अलावा एक जगह और मोर्चा खुला हुआ है। वो जगह है सोशल मीडिया, जहां सियासी विचारधारा की लड़ाई में सच के ऊपर झूठ का सुनहरा लेप चढ़ाकर उसे बेधड़क और बेझिझक लोगों के सामने परोस दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अमित शाह के भाषण की एक क्लिप के साथ छेड़छाड़ करने के बाद सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर दिया गया और उसको वायरल कर दिया गया। जिस वीडियो में गृह मंत्री मुसलमानों को दिए गए असंवैधानिक आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उस वीडियो को एडिट करके ऐसा बना दिया गया है जैसे वो SC, ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC, ST और OBC का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का छेड़छाड़ वाला वीडियो पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गृह मंत्री के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने वाले मामले को लेकर दिल्ली पुलिस गंभीर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरक्षण के मुद्दों के संबंध में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ छेड़छाड़ किए गए वीडियो के प्रसार के संबंध में उन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को खंगालने में जुटी है जिन हैंडल से इस वीडियो को आगे बढ़ाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड फर्जी वीडियो को जमकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके बाद एक शिकायत गृह मंत्रालय से और एक शिकायत बीजेपी मुख्यालय से दिल्ली पुलिस को मिली। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज की और उसके बाद आनन फानन में तुरंत एक टीम तेलंगाना भेजी गई। FIR दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने जांच तेज कर दी है। आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसमें दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस वीडियो को रेगुलेट करने वाले तेलंगाना कांग्रेस को नोटिस देने के लिए पुलिस की एक टीम हैदराबाद पहुंची है। तेलंगाना पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को समन दिया और 1 मई को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म सुनाया। जानकारी के मुताबिक देश भर में ऐसे फर्जी वीडियो को सर्कुलेट करने वाले एक्स हैंडल स्पेशल सेल के रडार पर हैं। यहां तक कि वीडियो डिजिटल करने वाले भी जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। इस बीच आज फर्जी वीडियो को लेकर PM मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला किया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इधर साइबर सेल की टीम ये जानने में जुटी है कि गृह मंत्री का फर्जी और एडिटेड वीडियो किसने बनाया और सबसे पहले किसने अपलोड किया। एसपी अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो उनसे मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं वो फर्जी वीडियो का सहारा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे प्रयास से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। लोग भाजपा से, एनडीए से मुद्दों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर आमने सामने राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अब सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैला रहे हैं। हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं की आवाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते, और इसलिए आने वाले एक महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है। दिल्ली पुलिस की एक टीम मामले की जांच के सिलसिले में फिलहाल हैदराबाद में, और वहां उन्होंने आज प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में जाकर नेताओं को इस मामले की जांच से जुड़ने के लिए कहा है, और इन नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो को शेयर किया था। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि गृहमंत्री का एडिटेड वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अरविंद ओझा। एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों की दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक मीटिंग हुई। इसके साथ ही साइबर सेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक को नोटिस देकर जवाब मांगा है कि आखिर ये फेक वीडियो किन किन हैंडल से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, कहां से ये वीडियो बनाया गया। ये तमाम जानकारियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगी गई है। साथ ही साथ जिन लोगों ने ये वीडियो शेयर किया था उनको नोटिस देकर भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे जैसे चुनावी चरण आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सियासी दलों के बीच तकरार तीखी होती जा रही है। बीजेपी ने अमित शाह के एडिटेड वीडियो को लेकर जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसकी जांच में पुलिस को पता चला है कि तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल से एडिटेड वीडियो को वायरल किया गया था। ऐसे में हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। चुनावी लड़ाई के बीच फर्जी वीडियो वायरल करने के पीछे मकसद क्या है? फर्जी वीडियो को वायरल करने जैसी शरारतपूर्ण कार्रवाई के पीछे मकसद केवल चुनाव में सियासी बढ़त लेना है। चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है और दो चरणों में अब तक मतदान हो चुका है, लेकिन इस चुनावी गहमागहमी के बीच सियासत उस समय गर्मा गई जब गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया। दैनिक एसपी, एसपी और ओबीसी का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। कांग्रेस समर्थकों ने देखते देखते उस फर्जी वीडियो को वायरल कर दिया जिसमें अमित शाह एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे।
वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इस मामले में देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज कराई। अब पुलिस ने इस मामले में गुवाहाटी से रीतम सिंह को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट करके रीतम सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आज इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस की टीम हैदराबाद पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की तरफ से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी किया गया है और 1 मई को सीएम रेवंत रेड्डी को अपना फोन भी लाने को कहा गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रेड्डी के फोन भी जांच किए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक रेवंत ने भी अपने एक्स अकाउंट से अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर किया था। यहां तक कि तेलंगाना कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट समेत पार्टी के कई नेताओं ने इस वीडियो को शेयर किया था। हालांकि हंगामा होने के बाद इनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट अब हटा ली गई है। जरूरी है जो लोग सिर्फ अपने वोटरों को भ्रमित करने के लिए, वोटरों को भ्रमित करके उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए इस तरह की तोड़ जोड़ करके वीडियो को फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ लोगों तक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपराधी मानसिकता के बड़े खतरनाक लोग हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के उन नेताओं को भी नोटिस जारी किया है जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया था, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो अभी खुलेआम कहने को तैयार है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। बनाने की जरूरत नहीं, आज काउंटर कर रहे आप रिजर्वेशन हम नहीं हटाएंगे, नहीं बढ़ाते बोल के नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बढ़ाते? जितना हिस्सेदारी उतने आबादी, हमको अन्याय हुआ आपका मंडल कमीशन का, जब कमंडल यात्रा करके हमको रिजर्वेशन सही तरीके से लागू नहीं करने दिया, तो आज आपकी सरकार में 10 साल में कितना इंसाफ हुआ SC ST BC को ये बताओ। दिल्ली पुलिस ने इन सभी नेताओं से पूछताछ कर एडिट वीडियो किसने बनाया, कैसे इन तक पहुंचाया, ये जानने की कोशिश करेगी। मतलब साफ है कि फर्जी वीडियो का मामला फिलहाल सुलझता दिखाई नहीं दे रहा। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, गुड न्यूज टुडे। संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। चुनावी मौसम में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर तकरार तेज हो गई है। कांग्रेस गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो के जरिए आरोप लगा रहे कि बीजेपी आरक्षण खत्म करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक कांग्रेस पर हमलावर हैं। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि आखिर चुनाव में आरक्षण पर क्यों हो रहा है रण? दरअसल चुनाव के तीसरे चरण की 94 सीटों में 20% से ज्यादा सीटें SC ST के लिए आरक्षित हैं। जाहिर सी बात है कि इन सीटों पर बढ़त बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं, 5 चरण का रण अभी बाकी है और इस चुनावी रशाकसी के दरमियान एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा सियासी पारा चढ़ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर धार्मिक आरक्षण का सवाल उठाया, SC ST और OBC कोटा काटने की मंशा का आरोप लगाया। इसके लिए मिसाल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की दी गई। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है, लेकिन कर्नाटका की सरकार ने OBC रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। दोनों पार्टियों के बीच सियासी घमासान इस मुद्दे पर छिड़ा है कि कौन सा दल देश के संविधान को बदलना चाहता है। कांग्रेस ने संविधान को खतरे का आरोप लगाया तो बीजेपी ने आरक्षण के नाम पर संविधान से खिलवाड़ करने और तुष्टीकरण का डबल अटैक किया। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? SC ST OBC का। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं।
कांग्रेस के घोषणा पत्र के हवाले से बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो देश भर के एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण काट कर तुष्टिकरण के लिए मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण दे देगी। तो कांग्रेस भी आरक्षण पर रण से कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। कांग्रेस आरक्षण वाले चुनावी मुकाबले में खड़े रहने के इरादे में दिख रही है। पारा चढ़ा तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तक को सामने आना पड़ा और आरक्षण पर अपना रुख साफ करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आरक्षण कहीं खत्म नहीं होने जा रहा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चुनाव के दो चरणों के बाद आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति पारा क्यों गर्म हो गया है। इसकी एक वजह 7 मई को होने वाला तीसरे चरण का मतदान है। तीसरे चरण में कुल 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसमें 20 सीट एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। 2019 चुनाव में बीजेपी ने इन 20 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी बीजेपी इन 20 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस किसी तरह अपनी साख बचाने की। ऐसे में दोनों तरफ जवाबी हमले हो रहे हैं। हालांकि भारत की सियासत में आरक्षण मुद्दा नया नहीं है, इससे पहले भी इस मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ता रहा है। चुनावी मौसम में अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर राजनीति उठापटक शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का इस तरह से हिस्सा बन चुका है कि अब चुनावी रणनीति में भी इसको अहम स्थान मिलने लगा है। सोशल मीडिया पर नीतियों और विचारधारा के प्रचार प्रसार के साथ अब फर्जीवाड़े का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आसानी से वीडियो को काट छाट कर जारी कर दिया जाता है, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे में हमारा आज का पांचवां सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है। क्या सोशल मीडिया पर फैलाया झूठ वोटर को प्रभावित कर सकता है? इसके बारे में बता रहे सब एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल। आज भारतवर्ष में इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय में हमने बार बार ये देखा है कि साइबर क्रिमिनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं सोशल मीडिया पे। वो क्या करते हैं, वो बहुत ही उल्टी सीधी पोस्ट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं जो लोगों को गुमराह करती है और गुमराह के बाद उनके जो वोटिंग जो हमारे इलेक्शन का रिजल्ट है उस पर इम्पैक्ट होता है। आज के जमाने में हम देख रहे हैं डीप फेक्स जैसी टेक्नोलॉजी और वॉइस क्लोनिंग जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से साइबर क्रिमिनल्स दिखा रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े नेता जो उन्होंने कभी बोला नहीं, कभी किया नहीं, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इससे लोग गुमराह हो रहे हैं और लोगों का जो वोटर जो रिजल्ट है, जो इलेक्शन का रिजल्ट है, वो चेंज हो रहा है। सोशल मीडिया इन दिनों झूठ फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। कभी फर्जी कंटेंट का निर्माण हो जाता है तो कभी झूठ का सहारा लिया जाता है। अक्सर ऐसे झूठ किसी की भी छवि धूमिल कर देते हैं। हमारा आज का छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि चुनाव के मौके पर ऐसे मामलों में चुनाव आयोग का दखल कितना जरूरी है? इसके बारे में बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल। और जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि अगर आपके इलेक्शन के रिजल्ट्स जिस चीज से इंपैक्ट हो रहे हैं, जिस चीज से पूरी तरह बदल रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिसे कहते हैं उसमें दखल अंदाजी बहुत जरूरी है, उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसी चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी अवेयरनेस जरूर फैला रही है, वो लोगों को बता रही है कि कैसे ऐसी डीप फेक टेक्नोलॉजी और वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे गलत रील्स बन रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल इसमें काम कर रही है। सोशल मीडिया पर अक्सर झूठे और एडिटेड वीडियो डालने वाले कानून की जद में आने से बच जाते हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ता है और अगली बार वो और बड़े फर्जीवाड़े के साथ सामने आ जाते हैं। ऐसे में हमारा आज का सातवां और आखिरी सवाल है, फर्जी वीडियो फैलाने वालों पर क्यों नहीं होती सख्त कानूनी कार्रवाई? इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल। देखिए, आज के जमाने में आपका कंटेंट बनाना बहुत आसान हो गया है, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे डालें या फेसबुक पे डालें, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालें और अलग अलग डिवाइसेस से डालें, आप कितने लोगों को ट्रैक करेंगे इसका बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा सवाल है ये। खासकर आज डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से जो ऐसी वीडियोज बन रही है जो लोगों को गुमराह कर रही है, उस केस में आज जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनको बहुत मुश्किल आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक लोग अलग अलग सिस्टम से अलग अलग समय पर नई वीडियोस बना रहे हैं। और इसकी 7:07 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।